बार है, पिछली बार मेरे ऊपर तमाम तरह की नगर में चर्चाएं चल रही थी कि मैंने विवाह कर लिया है और कोर्ट मैरिज की है, इस तरह की कई तरह की बातें चल रही थी। एक लड़की का वीडियो आया जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं उसका उत्पीड़न कर रहा हूं और तमाम तरह के उसने अनर्गल बिना तथ्यों के मेरे ऊपर कई आरोप लगाए। उस महिला ने मेरी पत्नी होने का और मुझे अपना पति होने का दावा उस वीडियो में प्रस्तुत किया, जबकि किसी भी तरह से न मैरिज के अंतर्गत, न निकाह के अंतर्गत, न विवाह के अंतर्गत मेरा उससे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं बना और ना ही मेरा किसी भी तरह का विवाह हुआ। एक महिला के द्वारा मेरे ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप करवाए गए और घिनौने आरोप मेरे ऊपर लगाए गए। इन आरोपों की सत्यता कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने ये आज प्रेस वार्ता करने की मुझे जरूरत महसूस हुई। मेरे पति शैलेंद्र अग्निहोत्री ने मुझको शादी करके झांसा दिया, मुझसे कई दिनों तक रेप किया। इसमें शामिल है मोहन अग्निहोत्री, विकास बस्ती, ये हमको लेके जाते थे और शैलेंद्र को सौंप देते थे कारखाने पर। उसके बाद शैलेंद्र ने बहुत गलत किया और उसके बाद जब हमने शादी के लिए कहा तो उसके बाद पुलिस को बने काम कि पुलिस को संपर्क करेंगे, तब उन्होंने मुझसे शादी की, रजिस्टर्ड मैरिज। जो सख्त सख्त कार्रवाई हो सके, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मेरा उन्होंने बंधक बना के हमको रखा था। कितने दिन का? 25 दिन हमको होटल में रखा है, उसके बाद अब चौराहे पे कमरा लेके छोड़ दिया। अब इस समय हमें गुरसाईगंज में बंद करके रखा हुआ है और शैलेंद्र जी का अफेयर चल रहा, मोनी अग्निहोत्री उनकी चाची है, इसीलिए हमको घर पर रखना नहीं चाहते हैं। कई बार हमने उनको जब पकड़ा है इसीलिए अब हमसे निकाल दिया हमको घर से, कि कतई यहाँ आना मत, 20 लाख रुपया लेके तभी आना, तब तक मत आना। उसके चेयरमैन है इस समय मौजूद है।